अगर आपको 9,000 रुपये के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैंने जो फ़ोन बताया उनकी बैटरी कैपेसिटी, रैम, रोम और प्रोसेसर, कैमरा, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक सभी मतलब अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। प्रोसेसर सबसे मेन रहता है और कैमरा किसी फ़ोन में। तो प्रोसेसर रियलमी की अच्छी बात है कि रियलमी हेलो G70 प्रोसेसर देता है जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। और कैमरा भी इसमें मतलब ड्यूअल कैमरा, ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे आपको, सिंगल कैमरा किसी भी फ़ोन में नहीं है। और बैटरी कैपेसिटी भी 3000 mAh तो है ही नहीं कहीं भी, आपको 4000 या 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो देखते रहिए आखिरी तक, चलिए शुरू करते हैं। रियलमी 3i की अगर बात की जाए तो ये फ़ोन लुक वाइज बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। और अगर इसकी रैम रोम की बात की जाए 3 GB रैम और 32 GB रोम के साथ ये आपको मिल जाता है। और डायमंड कट रियर बैक में बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। और इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो P60 हेलो प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये गेमिंग के लिए, पबजी वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसकी बैटरी की बात की जाए तो 4320 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और वहीं कैमरे की बात की जाए तो 13+2 MP का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और 13+ का ब्यूटी कैमरा यानी कि फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। 6 कलर में अवेलेबल है ये फ़ोन। और मतलब पीछे फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है और बहुत ही शानदार लुक वाइज एकदम रियल बी की तरफ से ये लो प्राइस में बहुत ही शानदार फ़ोन देखने को मिल जाता है। और इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर इसकी प्राइस 8,499 रुपये मिलेगी आपको फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने चेक नहीं किया, वहाँ आप देख सकते हैं कितनी प्राइस। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड फ़ोन की जो कि रियलमी की तरफ से निकल कर आता है, रियलमी 3। तो इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो बैक में जो डिज़ाइनिंग है बहुत बहुत ही कमाल की है, देखने में बहुत ही लुक वाइज दिखने वाली है। और अगर इसकी रैम रोम देखी जाए तो 3 GB रैम और 32 GB रोम के साथ ही आपको मिल जाता है। वहीं अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें आपको हेलो P70 AI प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये भी गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, इसमें पबजी वगैरह गेम बहुत ही आसानी से खेले जा सकते हैं हाई क्वालिटी पर। इस फ़ोन की अगर डिस्प्ले की बात करी जाए तो 6.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। और अगर कैमरे की बात की जाए तो 13+2 का ड्यूअल कैमरा बैक में देखने को मिल जाता है। और वहीं फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 13 का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि बहुत बढ़िया है नॉर्मल फ़ोन के हिसाब से। और एंट्री लेवल के फ़ोन के हिसाब से तो इनमें काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन है। और इसकी बैटरी की बात की जाए तो 4230 mAh की लंबी बैटरी देखने को मिल जाती है। ये फ़ोन भी आपको 6 कलर में अवेलेबल मिल जाएगा। और इस फ़ोन की जो प्राइस है वो 8,499 रुपये है जो कि काफ़ी अच्छी और कम। बात करते हैं रियलमी की तरफ से जो 9,000 रुपये के अंदर बजट वाला फ़ोन है, वो है रियलमी का Narzo 10A जो कि अभी लॉन्च हो चुका, हाल ही में लॉन्च हुआ है और शायद शिपिंग भी नहीं हुआ है, तो ये आपको लॉकडाउन के बाद ही मिल पाएगा, अभी नहीं मिल पाएगा। इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। अगर चलो इसकी बात कर लेते हैं, मतलब मैं बता ही देता हूँ इसके बारे में। तो इसकी 3 GB रैम के साथ और 32 GB रोम के साथ ये आपको देखने को मिल जाता है। और बैटरी की अगर बात की जाए तो 5000 mAh की लंबी बैटरी देखने को मिल जाती है। और वहीं कैमरे की अगर बात की जाए तो 12+2+2 का ट्रिपल कैमरा रियर कैमरा देखने को मिल जाते हैं। और इसकी बैक में डिज़ाइनिंग बहुत बढ़िया है, आइकॉनिक डिज़ाइनिंग ब्लू और वाइट में ये देखने को मिल जाता है। और अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें भी आपको हेलो का G70 AI प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है मेरे हिसाब से तो। और इस फ़ोन में बैक में फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है और 3 कार्ड SIM स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। और इस फ़ोन में रियलमी का UI लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिल जाता है। और अगर वहीं डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें भी आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 16.5 सेंटीमीटर यानी कि 6.5 सबसे बड़ी डिस्प्ले है, दो फ़ोन से बड़ी इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये फ़ोन भी काफ़ी बढ़िया है देखने में भी लुक वाइज और प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। इस फ़ोन को तो आपको लॉकडाउन के बाद ले ही लेना चाहिए क्योंकि इसकी प्राइस 100% बढ़ना है। इसकी अभी प्राइस है 8,499 रुपये, रियलमी की ओरिजिनल वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको, फ्लिपकार्ट वगैरह पर शायद महंगी मिल सकती है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं।
तो मैंने इस वीडियो में आपको रियलमी ब्रांड के बेस्ट स्मार्टफोन जो कि 9000 रुपये के अंदर अंदर है, वो तीन टॉप के स्मार्टफोन दिखा दिए हैं। प्लीज़ बताएं आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरी इस वीडियो में वॉइस क्वालिटी थोड़ी सही नहीं होगी, बट कोई नहीं, अभी मेरे पास अच्छा माइक नहीं है इसलिए वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम जा रही होगी, बट बहुत ही जल्दी वो भी सही हो जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।